हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंडिपेंडेंट टीवी हाय हाय, इंडिपेंडेंट टीवी हाय हाय, इंडिपेंडेंट टीवी हाय हाय, इंडिपेंडेंट टीवी। मुद्दा है किस प्रकार की धोखाधड़ी हुई? ये कंपनी ने 2250 रुपए में एक साल का चैनल फ्री दिखाने के लिए वादा करके सबको बेचा गया है, और उसके बाद ये कंपनी पिछले तीन इंडिपेंडेंट कंपनी जो है हमारी, जो रिलायंस बिग टीवी का नाम चेंज होकर के इंडिपेंडेंट टीवी हो गया है खरीदने के बाद, उस टीवी का ये है कि 2250 रुपए में साल भर का चैनल कस्टमर को बता के बेचा गया कि साल भर आपके यहाँ फ्री आएगा, और ये पिछले तीन महीने से काफ़ी चैनल बंद होते जा रहे हैं, और पिछले 12 दिनों के बाद तो पूरा चैनल ब्लैकआउट कर दिया गया, जिससे कि सारा बंद हो गया है। 15 लाख कस्टमर हैं और लगभग 1 करोड़ दर्शक हैं जो पिछले 12 दिन से बिना टीवी देखे रह रहे हैं। तो आप लोग इस समय क्या डिमांड मांग रहे हैं? हमारी पहली डिमांड तो ये है कि इस चैनल को किसी तरह चालू किया जाए, ताकि लोग कंपनी इस चैनल को चालू करे, चाहे सरकार या ट्राई, क्योंकि ट्राई की परमिशन के बिना ये चैनल चल नहीं सकता, न परमिशन मिल सकता। चैनल कहाँ चल रहा है? ऑल ओवर इंडिया, और हम लोग ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं, और इंडिया से हम लोग 60-70 जोनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 1100 उसके नीचे सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मैं ये दे दूं कि इस वीडियो को मैंने मोनेटाइज नहीं किया है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो एक न्यूज़ चैनल है, या आप कह सकते हैं कि यूट्यूब चैनल है खोज खबर, उसके द्वारा बनाया गया वीडियो है। मैंने वहां से इस वीडियो को कॉपी किया, इसलिए मैंने मोनेटाइज नहीं किया कि कोई कॉपीराइट का इशू ना रहे, लेकिन आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इस वीडियो को ऐसे करके आप तक पहुंचाया है। सबसे पहले आपको अगर जानकारी दे दूं तो 24 जून को जंतर मंतर के ऊपर जो जोनल डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और जो सब डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने मिलकर एक धरना प्रदर्शन किया। कुछ कस्टमर्स भी आए हुए थे उसके अंदर। जो जोनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लगभग 70 के आसपास हैं, 70 या 80, और उसके अलावा जो 1100 हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 22 स्टेट्स में इंडिपेंडेंट टीवी आज डेट में रन कर रहा है, और लगभग 15 लाख कस्टमर है इंडिपेंडेंट टीवी के। बात यह है कि वो जब कुछ चेंज करते हैं या कुछ बदलाव करते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स तक लेके नहीं आते हैं। क्या कारण से क्या हो रहा है इसके बारे में कस्टमर्स को खुल के नहीं बताते हैं। टेक्निकल रीजन वर्ड यूज कर देना हर जगह ये सही बात नहीं है। उन लोगों को कस्टमर के साथ खुल के बात करनी चाहिए। हमें अंतरिक्ष के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई और समस्या है? अगर कोई और समस्या है तो उसके बारे में इंडिपेंडेंट टीवी को अपने कस्टमर्स को बताना चाहिए। उनको पहले कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हुए हैं इंडिपेंडेंट टीवी को, जो कि 2000 से ऊपर रुपए दिए हुए हैं, और काफी लोगों ने महीने दिन पहले लगवाए थे, तो उनका हार्ड एंड मनी जो है काफी ज्यादा लगा हुआ इसके अंदर। तो इंडिपेंडेंट टीवी को एक एडवाइस जारी करके सब कुछ डिटेल में समझाना चाहिए और बताना चाहिए। अब एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि गौरव टंडन जी, जो कि एक निवेशक हैं, या आप कह सकते हो कि जो कि इंडिपेंडेंट टीवी में जिन्होंने पैसा अपना लगाया हुआ है, उन्होंने ऐसी बातें करी हैं कुछ चैनल्स के साथ जो कि उस धरने पोजीशन में पहुंचे थे, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं जो कि बिल्कुल सही बातें उन्होंने करी हैं। उसके बारे में मैंने आगे लगा रखा है क्लिप, आप देख सकते हैं। तो अगर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पे ध्यान दे, कोई भी कंपनी किसी भी देश में कार्य करती है, यदि ऑफिस बदलती है, क्या उसके ऊपर कोई कानून है? क्या वो उपभोक्ताओं को सूचित नहीं करेगी मेरा ऑफिस कहाँ है? क्या वो अपने निवेशकों को सूचना नहीं देगी कहाँ है? इन्होंने मात्र पिछले 30 दिन में 4 ऑफिस बदल लिए बिना कोई सूचना। न्यूज़24 वाले जो न्यूज़ क्या समझ में आता है? न्यूज़24 है कि ये गायब होने वाले हैं। 3 दिन पहले इनके अधिकारियों से मिली है, इन्होंने अपनी पूरी नेशनल सेल्स टीम को HR डिपार्टमेंट ने मेल भेज दी और जबरन छुट्टी पे भेज दिया बिना पैसे के, लीव विदाउट पे। सर, जिन चैनलों ने DTH को पैसा दे रखा है प्रसारण के लिए, चाहे वो न्यूज चैनल हो या एंटरटेनमेंट के चैनल, उनको सर उनका तो घपला और आप जोड़ लीजिए। हम तो ये जानते हैं, जो साक्ष्य हमारे सामने है, उपभोक्ता इसके 15.5 लाख है जिन्होंने 2000 रुपए के हिसाब से पैसा दिया हुआ है, ये करीबन 330 करोड़ बनता है। इसके जो 80 से ज्यादा C&F है पूरे हिंदुस्तान में, 22 राज्यों में, उनका आज की तारीख में हम सत्यापन दे सकते हैं आपको इस चीज का, कंपनी के लेजर के साथ, कि उनका 100 करोड़ से ऊपर बकाया है इस कंपनी पे अभी। सर, जो चैनल है, चाहे न्यूज चैनल हो या एंटरटेनमेंट चैनल हो, क्या जो DTH पे जो चैनल आ रहे थे, कुछ भी नहीं आ रहा सर। क्या ऑब्जेक्शन नहीं उठाया उन चैनलों ने? इनकम हमारे को कोई ज्ञान नहीं है। अब आपने गौरव टंडन जी की बात सुन ली, इसके बाद आपको ये पता चल गया कि कितनी समस्याएं हैं इंडिपेंडेंट टीवी के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दिए मेरे इस वीडियो को, और इस इन्फॉर्मेशन को जितने लोगों तक फैला सकते हैं फैलाइए, और जो भी आपके जानने वाले जो कि इंडिपेंडेंट टीवी चलाते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। इसलिए पहुंचाइए क्योंकि उनको मालूम चले कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि लगभग कल या परसों में अपडेट करूंगा, जिसमें मैं और भी बातें बताने वाला हूं इंडिपेंडेंट टीवी के बारे में। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर घंटी का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए कि आप तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे।